क्लास ए। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे फाइंड द स्क्वायर ऑफ द एनी नंबर बाय यूजिंग डायगोनल्स मेथड। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टच करके ऑल नोटिफिकेशन लगा लीजिए, जिससे कि आपको ये जब भी मैं इस पर वीडियो डालूँ यूट्यूब पर तो आपको मिल जाए। यूट्यूब पर जो वीडियो डालेंगे तो जो आपका रिवीजन होगा, रिवीजन के सारे में वीडियो इसमें डालेंगे, जिससे कि आपको ये वीडियो आप जो मैं डालता हूँ ग्रुप पे तो हो सकता है आपसे डिलीट भी हो जाते होंगे। तो जो आपको रिवीजन करना हो तो यूट्यूब से आप किसी भी टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जब जरूरत पड़े तो आप इसमें रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका वीडियो आज सेंड किया था तो मुझे लग रहा है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो काफ़ी सिंपल है इसमें। सबसे पहले हमें देखना है कि वीडियो की जो हमारा जो स्क्वायर निकालना है वो कितने डिजिट्स के हैं। तो यहाँ पे दो नंबर भी हो सकते हैं, थ्री नंबर भी हो सकते हैं, फोर डिजिट्स के भी हो सकते हैं। तो अगर टू डिजिट्स के हैं स्क्वायर तो आपका सभी बनेगा, चाहे वो एक दो डिजिट का हो चाहे वो थ्री डिजिट का। तो सबसे पहले पहला स्टेप जो होगा आपका एक स्क्वायर ड्रा करना। ड्रा स्क्वायर। स्क्वायर ड्रा करने के बाद अब देखेंगे कितने डिजिट्स हैं। हमारे पास यहाँ पे टू डिजिट्स हैं तो यहाँ पे हम लोग दो रो और टू कॉलम सॉरी टू रो एंड टू कॉलम ड्रा करेंगे। तो इसमें टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे, फिर बीच से ड्रा कर देंगे, तो ये हमारे टू रो और टू कॉलम में डिवाइड हो जाएंगे। फिर अब स्क्वायर के अंदर हमने देखा सब स्क्वायर हमारे बन गए। कितने स्क्वायर बन गए हैं? फोर। वन टू थ्री फोर। अब सभी स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रा करेंगे। तो ये फर्स्ट डायगोनल्स, फिर इस डायगोनल्स को मिलाते हुए नीचे स्क्वायर के डायगोनल्स ड्रा करेंगे, उसके बाद इसको ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद नंबर कैसे राइट करेंगे? जो पहला हमारा स्क्वायर होगा उसके ऊपर हमारा जो है टेन प्लेस, जो टेन प्लेस पे डिजिट होगा वो, अगर यहाँ पे थ्री है तो हंड्रेड प्लेस। तो सबसे पहले लिख लेंगे एट नाइन, इसी तरह इस पर भी लिख लेंगे एट नाइन। ओके, दो क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट नंबर को एट को एट से करेंगे, फिर एट को नाइन से करेंगे, फिर इस तरह नीचे नंबर नाइन को एट से, नाइन को एट। अब यहाँ से अगर एट को एट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? सिक्सटी फोर। तो जो टेन प्लेस का डिजिट होगा, जिसे मैंने मल्टीप्लाई किया एट इंटू एट, तो वी गेट 64। तो 10 प्लेस का जो डिजिट होगा तो डायगोनल्स के अपर पार्ट में लिखा जाएगा और जो यूनिट प्लेस पे होगा वो लोअर पार्ट में। ठीक है, इतना हो गया, यही समय आपको करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज दैट 2 इंटू 3, तो हमें क्या मिलता है? 6। तो 6 कहाँ पे लिखा जाएगा? लोअर पार्ट में, और अपर पार्ट में हम 0 राइट कर देंगे। ठीक है, देन मल्टीप्लाई 8 इंटू 9, 8 9 जा 72। ओके, फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 को और 9 से, तो 9 8 जा 72। देन 9 मल्टीप्लाई बाय 9, 81। इतना सभी को आई समझ में आ गया था जो मैंने वीडियो सेंड किया था। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें ऐड करना है। तो ऐड कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल वे में देखेंगे हम लोग। देखिए, तो पहले देखेंगे ये स्क्वायर हमारा है, स्क्वायर के दो डायगोनल्स पार्ट हैं, तो पहले हम यहाँ ड्रा करेंगे हल्की डैड डैश पेंसिल से। आप फेयर पर जब करेंगे तो हल्के डैड डैश, तो कितना आ रहा है? 1। तो 1 लाइट कर देंगे। ओके, फिर लाइन लेंगे, इसको ड्रा करेंगे। लाइन सभी लाइन इक्वल होनी चाहिए, इससे कि डिजिट्स हमें लिखने में आसानी रहे। आप सबको ऐड कर लीजिए 2, 8, 10, 12 का 2 लिखेंगे, कैरी कितना आया? 1। तो कैरी आप यहाँ लिख लीजिए रफली, जो 1 कैरी होगा नेक्स्ट नंबर में ऐड जब करेंगे सम उसमें ऐड कर देंगे, दैट इज़ नेक्स्ट ऐड करेंगे यहाँ पे 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 11। 11 में 7 ऐड करेंगे 18 और कैरी 1 19, फिर कैरी 1 हो गया, फिर अगेन 6 में कैरी 1 8। देखिए आपका आंसर आ गया, फिर इसको हम राइट कर देंगे 8921। तो स्क्वायर ऑफ 89 दैट इज़ 8921। ओके, क्लियर हुआ। तो अब एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थ्री डिजिट का अगर हमें स्क्वायर निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे 7 होगा, क्योंकि इसको ऐड करेंगे 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 7, तो बाई मिस्टेक सॉरी, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 7। तो फाइनल आंसर होगा 7921। ओके, अब देखते हैं थ्री डिजिट का कैसे निकालना। तो पहला स्टेप सेम रहेगा, ड्रा स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हैं, थ्री डिजिट हैं, तो इसका मतलब थ्री कॉलम ड्रा करेंगे और थ्री रो, तो 1, 2 ये हो गया हमारा 3। फिर इसको थ्री पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अब देखेंगे हंड्रेड प्लेस में हमारा डिजिट कौन सा है? 2। 10 प्लेस पे 7, यूनिट प्लेस पे 6। ऐसे इधर भी राइट कर लेंगे। अब डायगोनल्स ड्रा करेंगे, ये आपका सभी क्वेश्चन में स्टेप्स सेम रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 2 2 4 और 4, तो अपर पार्ट में क्या लिखेंगे 0, नीचे पार्ट में 4। 2 7 14, 6 2 12, अगेन 7 7 2 14, 7 7 49, 7 6 42, देन 6 6 2 12, 6 7 42 एंड 6 6 36। अब ऐड करेंगे, ऐड करना ही आपको सीखना है। तो फर्स्ट दैट इज 6, अगेन
ये लाइन सेम लाइन तक लाएंगे, ठीक है, 2, 3, 5, 2, 7 अगेन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4, 6, 6 में 9 ऐड करेंगे, 15, 15 में 4 ऐड करेंगे, 19, 19 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 21, इधर कैरी तो हमें थी नहीं, ठीक है, तो 21 का 1 कैरी 2, अगेन 1, 4, 5, 9, 9, 1, 10 और 4, 14, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 कैरी 1, अगेन 4, 1, 5, 6 कैरी 7, 4, 5, 6 कैरी 1, 7 अगेन 0, अगर कैरी यहाँ पे आता है तो 0 में ऐड करेंगे, अदरवाइज 0 ऐड कर देंगे, 0 को रिमूव करेंगे तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 7, 6, 1, 7, 6। ओके स्टूडेंट, अगर अभी भी किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो आप मैसेज करिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे जिससे कि आपको वीडियो मिलते रहेंगे, और बाकी जो आप पढ़ चुके हैं उसका भी मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करता रहूँगा जिससे कि आपका रिवीजन का प्रोसेस चलता रहे, जो आप पीछे पढ़ चुके हैं वो भूले ना, ठीक है ना।